भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, देश दुनिया की खबरें भी दिखाते हैं प्रदेश के साथ साथ, और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका आज किसी ने। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का मामला सामने आया। जूता अटैक का यह मामला कार्यक्रम के दौरान हुआ। एक युवक जो वकील के वेश में आया था, इस युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया और इस हमले में स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए, जूता उन तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने इस आरोपी युवक को पकड़ लिया, उसकी जमकर धुनाई की गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ के हाथ से आरोपी युवक को छुड़वाया गया, पुलिस ने अपने कब्जे में से लिया और पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। इस मामले को लेकर युवक के नाम का खुलासा हुआ है, इसका नाम है आकाश सैनी बताया जा रहा है। उसने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों से वो दुखी था, पूजा पाठ करने वाला वो व्यक्ति बताया जा रहा है, और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस प्रकार के बयानों से उसने कहा कि हमें दुखी किया, इसलिए उसने अपना विरोध जताया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका इस शख्स ने, हालांकि इसे तुरंत वहां पर समर्थकों ने दर्द पहुंचा, जमकर इसकी पिटाई की गई और इसके बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में लिया। गुंडे माफिया अपराधी अराजक तत्व कानून राज पर हावी है, पूरा प्रदेश जंगल राज की भेंट चढ़ चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे सभी चेहरे जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की घटना या कृत्य कारित करते हैं उनका संबंध कहीं न कहीं भाजपा से है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म सभी संप्रदाय सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं एक तरफ, तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरित मानस पर बैन लगना चाहिए। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची।